हे कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं ड्रॉप लेना चाहिए या बीएमएस लेना चाहिए। काफी सारे लोगों के क्वेश्चन आ रखे हैं इस बात पे कि सर हमें ड्रॉप लेना चाहिए कि या बीएमएस लेना चाहिए। अब बात ये है कि इतने सारे क्वेश्चन आ गए इंस्टाग्राम पे, लोगों ने पूछा है कि सर बीडीएस लें कि बीएमएस लें कि ड्रॉप लें कि बीएमएस लें। इन सारी बातों को जो है आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, मैं हूं सारांश और बात करेंगे आज कुछ नई चीजों पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए जो बातें रहती हैं वो ये रहती हैं कि सर मेरे इतने नंबर आए हैं और मेरे को ड्रॉप लेना चाहिए या बीएमएस लेना चाहिए, कुछ इस तरीके के सवाल आते रहते हैं। ठीक है, अब बात ये है कि अगर आप ड्रॉप लेते हैं तो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं और अगर आप ड्रॉप नहीं लेते हैं तो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, अगर आप बीएमएस लेते हैं तो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, देखिए ऐसा है कि बीएमएस जो है एक प्रोफेशनल कोर्स है, एमबीबीएस एक प्रोफेशनल कोर्स है, मतलब ये सारे जितने भी मेडिकल के कोर्सेज है ना, बीडीएस, एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस या फिर बीयूएमएस, ठीक है, तो ये सारे क्या है, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। तो प्रोफेशनल कोर्सेज क्या है कि काफी सारे लंबे टाइम तक चलते हैं, जैसे 5.5 साल के कोर्स है, यानी कि 5 ईयर्स के कोर्स, ऑलमोस्ट 5 ईयर्स के आप मान के चलिए। ठीक है, तो 5 ईयर्स के कोर्स आपको कंप्लीट करने होते हैं, उसके बाद आप एक डॉक्टर बनते हैं। तो इतना आसान नहीं है किसी भी चीज़ों को करना, 5 ईयर्स बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारे स्ट्रगल झेलने पड़ते हैं और बहुत सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ता है, बहुत सारे नए नए सब्जेक्ट्स आपके सामने आते हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, बीएमएस के अंदर हो चाहे एमबीबीएस के अंदर हो चाहे बीडीएस के अंदर हो। ठीक है, तो ये सारी बातों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले अगर आप ड्रॉप लेते हैं तो क्या क्या नई चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं जीवन में। ठीक है, कुछ एक्सपीरियंस मैं भी अपने ऐड करूंगा। अगर मैंने जो ड्रॉप लिए या मैंने जो चीज़ें की उससे मुझे क्या क्या नुकसान हो रहे हैं और क्या क्या नुकसान मुझे होने वाले हैं आगे, तो उन सब पे हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कुछ फैक्टर्स की। तो अगर कुछ फैक्टर्स की बात करें तो अगर आप ड्रॉप लेते हैं तो सबसे पहला फैक्टर तो ये आता है कि दिन पे दिन जो है सबसे पहला फैक्टर है कट ऑफ। तो कट ऑफ जो है दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है बीएमएस का, ये आपको पता ही है। तो कट ऑफ जो है दिन पे दिन बढ़ता है, 5:30 जनरल वालों के लिए, 5:40 स्टेट की अगर बात करें तो स्टेट के अंदर तो 5:50 5:60 तक चला जाता है। ठीक है, और अगर ऑल इंडिया काउंसलिंग की अगर बात करते हैं, ऑल इंडिया कट ऑफ की अगर बात करते हैं तो 5:30 5:40 या फिर 5:25 इसके आसपास रहता है। ठीक है, तो ये आज की बात है। अगर धीरे धीरे जो है अगर नीट आगे बढ़ता जा रहा है, बीएमएस जो है उसकी डिमांड ज़्यादा होती जा रही है, सेकंड मोस्ट डिमांडिंग कोर्स जो है बीएमएस बन चुका है, उस हिसाब से देखा जाए तो बीएमएस के अंदर कट ऑफ धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। ऐसा नहीं कि घट जाएगा या कम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, घट बढ़ता ही जा रहा है दिन पे दिन। तो ये आपका एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया कट ऑफ। दूसरी बात करते हैं कि बीएमएस के अंदर जो है बीएमएस की कोर्स की जो फीस है वो भी दिन पे दिन अब अपडेट होती जा रही है, मतलब बढ़ती जा रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है जो पहले जो थी वो 1.5 लाख थी, कम 1 लाख पर ईयर लगा करती थी, 60,000 70,000, इवन प्राइवेट कॉलेजेस की जो फीस हुआ करती थी ना पहले 2014 2014 16 15 के अंदर, उसमें भी कम हुआ करती थी, लेकिन 2017-18 से जो है बीएमएस की डिमांड बढ़ती गई और आज जो है उनकी फीस भी बढ़ती जा रही है। अब डीम्ड यूनिवर्सिटी की अगर बात कर लें तो उसमें तो फीस 4 to 5 लाख पर ईयर तक देखने को आपको मिल सकती है, और अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर लें जो टॉप प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जैसे कर्नाटका के अंदर टॉप प्राइवेट बीएमएस कॉलेजेस हैं, उनकी जो फीस है वो आपको 3 लाख पर ईयर तक देखने को मिल सकती है, यानी कि 2 से 3 लाख के बीच में देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आप वहीं पे मैनेजमेंट सीट पे अगर जाते हैं तो वहां पे आपको ज्यादा फीस पे करनी पड़ सकती है या पे करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये एक आपका फीस का जो है यहाँ पे एक दूसरा फैक्टर मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब बात करते हैं नेक्स्ट ये है कि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स। देखिए नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स नीट के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, कंपटीशन हाई होता जा रहा है। ठीक है, दिन पे दिन अब कंपटीशन हाई होता जा रहा है, तो आपको पता है कि बीएमएस की डिमांड ज्यादा है। अब आप खुद को भी आप खुद ही देखिए कि जो है मोस्टली जो बच्चों के नंबर आते हैं वो 400 से 500 यानी 550, मतलब 450 से लेके 550 तक हम एक रेंज उठा लेते हैं। अब ये रेंज उठा लेते हैं तो मोस्टली जो बच्चों के नंबर रहते हैं 70-80% बच्चों के जो नंबर रहते हैं मेरे ख्याल से वो 450 से 550 तक रहते हैं। ठीक है, अब इनमें क्या होता है कि इनमें काफ़ी सारे लोग जनरल के होते हैं, काफ़ी सारे ओबीसी होते हैं, एससी एसटी, ठीक है, इन सब कैटेगरी के बच्चे जो हैं इनमें आते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि जैसे जनरल कैटेगरी है तो जनरल कैटेगरी आपको पता है कि 500 प्लस नंबर हैं तो ही कुछ चांसेस रहते हैं ऑल इंडिया गवर्नमेंट और या फिर स्टेट गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज मिलने के। ठीक है, अब आपके 500 से कम नंबर हैं, 470 460 450 हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट बीएमएस मिलने के चांसेस जो हैं कम रहते हैं और प्राइवेट बीएमएस मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, वो तो सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ कंडीशन होती जा रही है। तो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स जब जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे मोस्ट डिमांडिंग कोर्स जो बीएमएस आज बन चुका है वो उसकी भी जो है डिमांड बढ़ती जा रही है और उसमें भी जो है कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है। मेन बात यह है कि जो है कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, इस चीज पे हम बात जो है मैं बताने वाला हूं। तो ये कंपटीशन वाली बात जो है यहां पे तीसरा फैक्टर आपका यहां पे जो कि आपको इफेक्ट करता है अगर आप ड्रॉप लेते हैं तो। ठीक है, ये सारी बातें मैं ड्रॉप की बता रहा हूं, अगर आप ड्रॉप लेते हैं तो ये फैक्टर्स आपको क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बहुत सारी चीजों पर लेके।
नेक्स्ट जो बात आती है वो ये आती है कि अगर आप आप ड्रॉप क्यों करते हैं, सबसे बड़ी बात आप ड्रॉप इसलिए करते हैं क्योंकि आपको गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज चाहिए होता है, ठीक है, या गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज चाहिए होता है, इसीलिए लोग ड्रॉप करते हैं, ठीक है। या तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है, चाहे वो एमबीबीएस हो, चाहे वो बीएमएस हो, चाहे बीडीएस हो, कुछ भी हो, ठीक है, चाहे वो बीएचएमएस हो, बीएमएस हो, इसलिए वो लोग ड्रॉप लेते हैं। ये मेन मुद्दा रहता है ड्रॉप लेने का कि मैं एक बार और ट्राई करता हूँ और एक बार ट्राई और करने से शायद मुझे गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज मिल जाए, या मेरे 530 मार्क्स आ रहे हैं, 550 तक मार्क्स आ रहे हैं और मुझे गवर्नमेंट एमबीबीएस नहीं मिल रहा है, तो एक बार और ट्राई करते हैं ड्रॉप लेके और 580 590 तक मार्क्स बनाते हैं तो एमबीबीएस गवर्नमेंट शायद हमको मिल जाए, इसलिए हम लोग ड्रॉप लेते हैं। या अगर मान लीजिए किसी की बीएमएस लेने की इच्छा है तो उसके साथ भी सेम कंडीशन रहती है। तो उससे इस तरीके से आज मैं ये बातें बता रहा हूँ। तो ड्रॉप लेना किस लिए? गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, गवर्नमेंट पाने के लिए। अब उसमें हम लोग ड्रॉप लेते हैं 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक ड्रॉप भी लिए बच्चे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब इससे होता क्या है, बात ये है, यहाँ पे मेन चीज़ मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो कोर्स है वो 5.5 साल का है, 5 ईयर्स ऑलमोस्ट मान के चलिए, चलिए 5.5 साल नहीं तो 5 ईयर्स तो मान के ही चलिए, ठीक है। तो जो कोर्स है अगर उसकी हम जो उसका टाइम पीरियड है अगर वो ऐड करेंगे ना, जो हमने ड्रॉप लिया है और ड्रॉप लेने के बाद अगर हमने किसी कोर्स में एडमिशन लिया है मान लीजिए और उसके बाद हम 5 ईयर्स ऐड करते हैं तो हम यूजी कर पाएंगे, खाली हम यूजी डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारी एज कितनी बढ़ रही है, देखिए वो ड्रॉप लेने से हमें कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है, लेकिन ड्रॉप लेना कहीं ना कहीं अच्छी बात भी होती है, लेकिन अगर जब आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए तब। लेकिन मोस्टली जो रहते हैं उसकी आज हम बात कर रहे हैं, मोस्टली जो बच्चे रहते हैं वो ड्रॉप लेते हैं और उनको फिर भी उनके हाथ में कुछ लगता नहीं है, गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज या गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज नहीं लग पाता है, तो उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि 5 साल का जो कोर्स है, मान लीजिए बाद में वो प्राइवेट बीएमएस कॉलेज लेते हैं या प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज लेते हैं, उसके बाद 5 साल जो है ऐड करते हैं 5.5 साल का ही, तो उसके बाद एज देखिए कहाँ पहुँच जाती है, 25-26 साल तक आप जो है बीएमएस या एमबीबीएस की डिग्री लेके बाहर निकलेंगे, उसके बाद आपको जरूरी तो है नहीं कि प्लेन बीएमएस या प्लेन एमबीबीएस से काम चल जाएगा, पीजी करना तो ऑलमोस्ट मस्ट ही हो गया है, तो पीजी भी आप करेंगे तो 3 साल का जो है कोर्स मान के चलिए, अब पीजी आप कर रहे हैं 3 साल का कोर्स आप कर रहे हैं मान के चलिए, तो उसकी एज आप जोड़ लीजिए, उसके बाद कुछ डिप्लोमा कोर्सेज करेंगे, तो ये सारे फैक्टर्स भी आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। तो ये आपका जो पहला फैक्टर था ड्रॉप का वो मैंने आपको यहाँ पे बताया गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है एज फैक्टर। अब जाहिर सी बात है कि आपकी एज जो है वो बढ़ती जा रही है, सिंपल सी बात है। अगर मान लीजिए आप 20 साल की उम्र में, अगर मान लीजिए आप 20 साल की उम्र में एमबीबीएस लेते हैं या बीएमएस लेते हैं या बीडीएस लेते हैं, कोई भी आप एक प्रोफेशनल कोर्स चुनते हैं मेडिकल फील्ड का, ठीक है, डॉक्टर बनने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि आप 5 साल उसमें ऐड करिए, चलिए मान लीजिए 20 साल की उम्र में आपने एडमिशन लिया और उसके बाद आपने 5 साल का कोर्स किया, तो आपकी उम्र कितनी हो गई, 25 इयर्स के लगभग आपकी उम्र पहुंच जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप कुछ पीजी करेंगे, डिप्लोमा कोर्सेज करेंगे, तो 30 साल तक 32 इयर्स तक आप यही करते रहेंगे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए जब आप एमओ की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं या कहीं कुछ भी एएमओ की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, एमओ की पोस्ट होगी, सीएचओ की पोस्ट होगी, इन सब के लिए अगर मान लीजिए अप्लाई करते हैं, आर्मी में अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या है कि एज बार आता है, ठीक है, वहां पे एज बार आता है, यूपीएससी के अंदर आपको एज बार देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पीजी करने के लिए आपको एज बार देखने को मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा, वहां पे आपको एज बार देखने को मिल सकता है, वहां पे कंडीशंस होती है, जब फॉर्म निकलते हैं ना, जैसे मैं अपने फॉर्म्स अपने ग्रुप में डालता हूं, तो वहां पे जब एज एलिजिबिलिटी में पढ़ता हूं ना, तो वहां पे भी एज होती है, जैसे अप टू 40 इयर्स तक होना चाहिए या 45 इयर्स तक होना चाहिए, कुछ कुछ में तो 35 इयर्स तक भी लिखा होता है, यानी कि 35 इयर्स तक भी होना चाहिए। अब मान लीजिए आप जीवन भर क्या यही पढ़ाई करते रहेंगे, 32-30 इयर्स तक पढ़ते रहेंगे, फिर मान लीजिए आप 32 इयर्स से 30 इयर्स के उसमें सारी चीजें कंप्लीट करके बाहर निकलते हैं, उसके बाद आप कॉम्पिटिशन के लिए लड़ते हैं। अब जरूरी तो नहीं है कि आपका एमओ एग्जाम एक बार में ही निकल जाए, है ना, जरूरी तो नहीं है कि आपका जो है एएमओ का एग्जाम एक बार में निकल जाए आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के लिए, तो 2-3 बार आप ट्राई करते हैं तो होगी आपकी 33-34 जो है 33-34 तक आपकी एज पहुंच गई। अब आपको इसमें टेंशन होगा कि नहीं होगा बताइए, आप सोचेंगे मेरे पास एक ही अटेम्प्ट बचा है, 35 ईयर से अगर एज बार लगा दी जाए तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, तो इन्हीं चीजों को लेकर के जो है आपको सोचना चाहिए। उसके बाद जो बात आती है वो फैक्टर आता है वो होता है अपॉर्चुनिटीज। अब अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं, आप काफी सारी अपॉर्चुनिटीज खो देते हैं, जैसे वही एज आपकी बढ़ती है तो अपॉर्चुनिटीज आप जाहिर सी बात है खो रहे हैं, ठीक है, तो जैसे काफी सारे चीजों में एज बार लग जाता है, जैसे एमओ बनना है, इन सब चीजों में जो है एज बार का कहीं ना कहीं फैक्टर करता है, ठीक है, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हम खोते हैं। तो ये सारी चीजें जो थी वो थी ड्रॉप फैक्टर्स के लेकर के। अब बात करते हैं हम लोग एमबीबीएस फैक्टर्स, बीएमएस फैक्टर्स या बीडीएस फैक्टर्स। अगर मान लीजिए आप बीएमएस ले लेते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए आप बीएमएस फैक्टर ले लेते हैं, तो बीएमएस में क्या क्या चीजें होंगी, बीएमएस में ये चीजें होंगी, अगर आप बीएमएस ले लेते हैं 20 साल की उम्र में मान लीजिए आपने ड्रॉप लिया, 19 में आपने कोचिंग करी, 20 में आपने कोचिंग करी और 21 में आपने क्या किया बीएमएस ले लिया। अब बीएमएस ले लिया तो बीएमएस लेने के बाद क्या हुआ, 5 ईयर्स ऐड कर लिया आपने, 25 ईयर्स तक आपने जो है बीएमएस को कंप्लीट कर लिया। अब बीएमएस कंप्लीट करने के बाद आपने सोचा कि चलो पीजी करेंगे, तो एआईपीजीईटी की आपने प्रिपरेशन की और मान लीजिए आपने 2 साल लगाए
और 2 साल लगा करके आपने जो है वहां पे पीजी ले लिया। आप देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या है, आपने पहले यूजी के लिए कोचिंग करी, फिर उसके बाद पीजी के लिए भी आपको कोचिंग की जरूरत पड़ेगी। अब पीजी के लिए भी आपको 1 या 2 साल तो मिनिमम देने ही पड़ेंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं कॉलेज लेने के लिए, तो वो भी आपको इंपॉर्टेंट है। तो गैप यहाँ भी आ रहा है यूजी करने के बाद, गैप वहां भी था जब आपने यूजी नहीं किया था। तो ये दोनों डिस्टेंस आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है, ये दोनों चीजें देखनी पड़ेंगी आपको। समझ में आ रही है? तो इन सब बातों को जो है आपको ध्यान में रखना चाहिए और इन सब बातों को आपको देखना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजों को जो है यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि डिप्लोमा कोर्सेज आप करेंगे पीजी के बाद। तो देखिए वेल सेटल होने के लिए जो है ऐसा नहीं है कोई डिग्री खराब है। अगर आप बीएमएस फील्ड चुनते हैं तो बीएमएस फील्ड भी बहुत अच्छी फील्ड है, ठीक है। अगर आप बीएमएस फील्ड चुनते हैं तो बीएमएस फील्ड भी बहुत अच्छी फील्ड है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आप टाइम ना बर्बाद करें। अगर आपको ड्रॉप लेना है तो ड्रॉप लेके या तो गवर्नमेंट एमबीबीएस के लिए पूरी तरीके से फुलफिल करें अपने आप को। अगर आपको गवर्नमेंट बीएमएस मिल जाता है तो खराब नहीं है, आप गवर्नमेंट बीएमएस बिल्कुल ले सकते हैं। टाइम बहुत बड़ी चीज होती है। ये बातें जब आप यूजी कर लोगे, अंडर ग्रेजुएट कोर्स यानी कि बीएमएस एमबीबीएस बीडीएस या कुछ भी कोर्स आप कर रहे हो, जब वो कर लोगे कंप्लीट, तब आपको इस चीज का एहसास होगा, फील होगा कि हाँ एज फैक्टर कहीं ना कहीं जो है बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो ये वीडियो आज उसी पे थी कि हमें बीएमएस लेना चाहिए या फिर ड्रॉप लेना चाहिए, ठीक है। तो ये काफी सारे सवाल इस पे थे, तो उसी भी चीज पे आज मैंने ये वीडियो बनाई है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आशा करता हूँ कि आप लोग जो है अच्छे से काउंसलिंग करेंगे और नीट में जो है अच्छे डिसीजन लेंगे कि आपको एमबीबीएस लेना है कि बीडीएस लेना है कि बीएमएस लेना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और ख्याल रखिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे तो आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। इंस्टाग्राम का लिंक आपको बायो में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके क्लिक करके आप वहां से इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रिप्लाई आपको मिल जाएगा, देर सही लेकिन मिल जाएगा। चलिए धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।